हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर कॉलोनियल सिटीज हिस्ट्री बुक ग्रेड 12 से। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से कॉलोनियल इंडिया में जो शहरीकरण है वो हुआ, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रही इन कॉलोनियल शहरों की और उसके अंदर सामाजिक बदलाव कैसे हुए। इसके अलावा तीन बड़े शहर थे, मद्रास जो आज की डेट में चेन्नई है, कोलकाता कलकत्ता और बॉम्बे मुंबई, ये सब में डेवलपमेंट कैसे हुए। ये तीनों के तीनों पहले गांव थे जहां पर मछली पकड़ी जाती थी और बुनकरी का काम होता था। ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर बने क्योंकि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो भी आर्थिक एक्टिविटीज थी वो यही होती। कंपनी के जो एजेंट्स थे वो मद्रास में सेटल हो गए 1639 में और कलकत्ता में 1690 में। बॉम्बे को कंपनी को जो है 1661 में दिया गया था इंग्लिश किंग के द्वारा। इंग्लिश किंग ने जैसे अपनी वाइफ का जो दहेज आता है उसके फॉर्म में रिसीव किया था इसे किंग ऑफ पुर्तगाल से। कंपनी ने अपने जो भी ट्रेडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे वो सब के सब इन्हीं जगहों पर स्टैब्लिश किए। 19 सेंचुरी के मिड में ये जो सेटलमेंट्स थे ये एक बड़े बड़े शहरों के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए थे जहाँ से ये नए रूलर्स जो है कंट्री को कंट्रोल कर रहे थे। इंस्टीट्यूशंस बनाए गए ताकि जो भी एक्टिविटीज है इकोनॉमिक उनको रेगुलेट किया जा सके, साथ ही साथ अपनी एक जो ताकत है अथॉरिटी है उसको दिखाया जा सके। इंडियंस जो है पॉलिटिकल दबदबा महसूस कर रहे थे कई नई तरीकों से इन शहरों के थ्रू। जो लेआउट था मद्रास का, बॉम्बे का और कलकत्ता का वो पहले के जो पुराने इंडियन टाउन्स थे उनसे थोड़ा सा अलग था और जो बिल्डिंग्स थी जो इन शहरों में बनाई गई थी वो पूरी तरह से दर्शाती है कि यहाँ पर कॉलोनियल राज था। क्या बिल्डिंग एक्सप्रेस करती है, क्या उसका आर्किटेक्चर बताता है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर हिस्ट्री के स्टूडेंट को पूछना चाहिए। आर्किटेक्चर की मदद से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से जो स्टोन है, ब्रिक है, वुड है, प्लास्टर है, इसको एक शेप दी जाती है। बंगलो हो चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर का, पैलेशियल हाउस हो किसी रिच मर्चेंट का या फिर किसी लेबर की झोपड़ी ही क्यों ना हो, बिल्डिंग जो है पूरी तरह से दर्शाती है जो सामाजिक रिलेशन है और पहचान है कई तरीकों से। तो अब हम अपना सबसे पहला टॉपिक जो है टाउन्स एंड सिटीज इन प्री कॉलोनियल टाइम्स उसकी शुरुआत करते हैं। जो भी शहरों का डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुई कॉलोनियल पीरियड में उसको जानने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि कई सदियों पहले ब्रिटिश रूल जब नहीं था तब ये जो अर्बन सेंटर्स थे वो कैसे थे। जो शहर होते हैं अगर हम उनको गाँव से कंपेयर करें तो बिल्कुल गाँव और शहर अपोजिट है एक दूसरे के। शहर क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि वहाँ पर कुछ अलग ही तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं और कल्चर्स होते हैं, उनके एक अपने नॉर्म्स होते हैं। कंट्री साइड में यानी गांव में क्या होता है, लोग अपने आप को सरवाइव करवाते हैं खेतीबाड़ी करके, जंगलों में जो लोग रहते हैं जंगलों के उस पे फलते फूलते हैं या फिर जानवर पालते हैं। शहरों में क्या होता है, लोग वो होते हैं जो कारीगर है, व्यापारी है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है या फिर रूलर्स है। ज्यादातर टाउन्स जो है उनका एक दबदबा रहता है रूरल पॉपुलेशन के ऊपर और वो उसी पर फलता फूलता है, चाहे टैक्सेस हो या जो फसल आती है खेती बाड़ी से उसके ऊपर ये पूरा शहर फलता फूलता है। टाउन्स और जो सिटीज होते हैं वो ज्यादातर दीवारों से एक तरह से घेर दिए जाते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये गांव से थोड़े अलग है। लेकिन तभी जो टाउन और कंट्री का सेपरेशन है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रिजिड है, ऐसा नहीं है। जो किसान होते हैं वो कई बार या जो लोग होते हैं वो कई बार लंबी लंबी यात्राओं पे जाते हैं तो वो शहरों से होके गुजरते हैं। कई बार ऐसा होता है सूखा पड़ जाता है तो ये सब के सब गांव के लोग जो है शहर भाग के आते हैं। इसके अलावा उल्टा भी हो जाता है, कई बार जो ह्यूमंस हैं या जो चीजें हैं वो टाउन से गाँव में आ जाती हैं। अगर शहरों में अटैक होता है तो लोग जो है ज्यादातर गाँव में भाग के शरण लेते हैं। इसी तरह से व्यापारी हो गए जो पैदल चलने वाले हैं, जो घर घर घूम घूम के सामान बेचते हैं, वो अपने जो सामान है वो शहरों से ले जाके गांव में बेचते हैं ताकि वहां उनका मार्केट बन सके और नए तरीके के जो है उसको इस्तेमाल करने की पैटर्न्स को तैयार किया जा सके। 16th और 17th सेंचुरीज में जो मुगल्स के द्वारा टाउन्स बनवाए गए थे वो इसीलिए फेमस थे क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा आबादी थी, वहां उनकी मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स थी और शाही एक जो भव्यता होती है और जो संपत्ति होती है वो दिखती थी। आगरा, दिल्ली और लाहौर ये तीनों इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे जहाँ पे मेन शाही एडमिनिस्ट्रेशन था और कंट्रोल था।
मनसबदार हो गए, जागीरदार हो गए, जिनको जो टेरिटरीज होती थी यानी जो क्षेत्र होते थे वो असाइन किए जाते थे अलग अलग पार्ट्स में एम्पायर के, वो ज्यादातर जो है इन घरों को शहरों में मेंटेन करते थे। तो जो घर होते थे, रेजिडेंसेस होते थे इन सेंटर्स के, वो जो है दर्शाते थे कि उस बंदे का स्टेटस कैसा है या उसका कितना रुतबा है। जो बादशाह होते थे उनकी प्रेजेंस या जो उनके अफसर लोग होते थे इन सेंटर्स में, इसका मतलब है कि वो कई सारी सर्विसेज जो है लोगों को प्रोवाइड करेंगे। जो कारीगर लोग थे वो एक्सक्लूसिव हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे जो नोबल्स होते थे उनके घर के लोगों के लिए। गांव से अनाज आता था अर्बन मार्केट्स में ताकि जो शहर में लोग रहते हैं उनके लिए और जो सेना है उसके लिए। जो खजाना होता है वो भी शाही कैपिटल में ही लोकेटेड था। इसके अलावा जो इनकम आती थी किंगडम में वो भी कैपिटल में रेगुलरली आती थी। जो शहंशाह होते हैं या बादशाह होते हैं वो एक किले नुमा महल में रहते थे और जो टाउन होता था वो भी एक दीवार से पूरा चारों तरफ से घिरा होता था जिसकी एंट्री और एग्जिट के कई अलग अलग गेट्स रेगुलेट किए जाते थे। इसके अलावा इन टाउन्स में गार्डन्स होते थे, मॉस्क होते थे, टेम्पल्स थे, टूम्स यानी मकबरे होते थे, कॉलेज थे, बाजार थे और कारवां सराय होती थी। मेन जो फोकस होता था टाउन का वो ज्यादातर या तो पैलेस की तरफ या जो मेन मॉस्क होता है उसकी तरफ होता था। इसी तरह से साउथ इंडिया में जो शहर थे जैसे कि मदुरई हो गया, कांचीपुरम हो गया, यहाँ जो प्रिंसिपल फोकस होता था वो टेंपल पे होता था। ये जो टाउन थे ये सबसे इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स थे। जो भी रिलीजियस फेस्टिवल्स होते थे चाहे उसके साथ मेले क्यों ना हो रहे हों, और जिससे जो है एक जो आपकी एक वर्शिपिंग होती है उसको ट्रेड के साथ लिंक कर दिया जाता था। तो जो रूलर होते थे वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होते थे और मेन सपोर्टर होते थे इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के। जो रिलेशनशिप उनकी और ग्रुप्स के साथ होती थी और क्लासेस के साथ होती थी वो ये बताती है कि उनकी एक जगह कैसी होती थी सोसाइटी में और टाउन के अंदर। जो मिडिवल टाउन्स थे वो ऐसी जगह थी जहाँ पर हर एक से ये उम्मीद करी जाती थी कि उसको अपने एक सामाजिक स्तर पर पोजीशन पता है और उसको जो रूलिंग एलिट्स होती थी यानी रूलिंग वाले जो लोग होते थे वो डोमिनेट करते थे। नॉर्थ इंडिया के अंदर इस ऑर्डर को मेंटेन करने का काम जो है एक शाही अफसर का होता था जिसे बोलते हैं कोतवाल, जो सारे इंटरनल अफेयर्स भी देखता था और जो टाउन्स की पॉलिसीज वगैरह हैं उनको भी ध्यान रखता था। पर इन सब में बदलाव आने लग गया 18 सेंचुरी के अंदर, जब पॉलिटिकल और कमर्शियल एक तरह से शिफ्टिंग शुरू हुई। तो जो पुराने टाउन्स थे वो खत्म होने लग गए और नए टाउन्स डेवलप होने लग गए। जैसे मुगल पावर का शासन जो है वो धीरे धीरे खत्म होने रहा था, उससे क्या हुआ उनके राज्य से या उनके रूल से जुड़े हुए जो टाउन्स थे वो भी एक तरह से खत्म होने लग गए। मुगल कैपिटल्स दिल्ली और आगरा, अब इनकी जो एक पॉलिटिकल अथॉरिटी थी वो भी खत्म होती जा रही थी। नई रीजनल पावर्स अब वो अपनी इम्पोर्टेंस जमा रही थी रीजनल कैपिटल्स के थ्रू, जैसे लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगापट्टनम, पूना जो आज की डेट में पुणे कहा जाता है, नागपुर, बड़ौदा जो प्रेजेंट डे में वडोदरा है, इसी तरह से तंजावर जो तंजावुर है, तंजौर बोलते थे पहले अब तंजावुर बोलते हैं, ट्रेडर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, ये सब के सब जो है अब पुराने मुगल सेंटर्स से इन नए कैपिटल्स में जाने लग गए ताकि इनको काम मिल सके और सपोर्ट मिल सके। लगातार लड़ाई झगड़े की वजह से दो नए किंगडम्स में इसका मतलब क्या होता था कि जो भी लोग हैं सफर कर रहे हैं उनको फौरन एम्प्लॉयमेंट कहीं भी मिल सकता है। इसी तरह से जो लोकल वहाँ के जाने माने लोग थे या जो ऑफिशियल्स एसोसिएटेड थे मुगल रूल से नॉर्थ इंडिया में, उन्होंने भी इस मौके का फायदा उठाया और नए अर्बन सेटलमेंट्स को जो है क्रिएट कर दिया, जैसे कस्बा हो गया, गंज हो गया। तो कस्बा एक छोटा सा शहर होता है गांव के अंदर ही और उसमें ज्यादातर जो लोकल आदमी फेमस होता है वो बैठता है। गंज जो है एक छोटा सा फिक्स्ड मार्केट है। तो ये दोनों ही चाहे कस्बा हो या गंज हो ये कपड़ों में, फल फूल, सब्जी और मिल्क प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और साथ ही साथ ये जो है नोबल जो फैमिलीज होती हैं या आर्मी होती है उनको भी सामान प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था इसका असर काफी अनइवन था। कई जगह तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल नई करी जा रही थी और कहीं जगह क्या हो रहा था सिर्फ लड़ाई हो रही थी, उठा पटक हो रही थी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, जिससे क्या हुआ कि जो आर्थिक रूप से जो लोग काफी फल फूल रहे थे या शहर फल फूल रहे थे वो बिल्कुल ही कम हो गए या खत्म हो गए। जो ट्रेडिंग का नेटवर्क था वो भी काफी हद तक बदल रहा था और इसको हम अर्बन सेंटर्स की हिस्ट्री में आसानी से देख सकते हैं।
जो यूरोपियन कमर्शियल कंपनीज थी उन्होंने अपने बेस अलग अलग प्लेसेस में बना लिए थे मुगल एरा के शुरुआत में। पोर्तुगीज जो है वो पणजी में आ गए थे 1510 में, डच मसूलीपट्टनम में 1605 में, ब्रिटिश ने मद्रास में किया था 1639 में और फ्रेंच ने पॉन्डिचेरी में, जो आज के प्रेजेंट डे में पुडुचेरी है, 1673 में। जैसे जैसे कमर्शियल एक्टिविटीज का एक्सपेंशन होना शुरू हुआ, विस्तार होना शुरू हुआ, टाउन्स जो है इन्हीं ट्रेडिंग सेंटर्स के अराउंड डेवलप होने लग गए। एंड में 18th सेंचुरी के जो अब लैंड बेस्ड एम्पायर्स थी एशिया के अंदर, उनको रिप्लेस कर दिया गया था सी बेस्ड यूरोपियन एम्पायर्स के द्वारा। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो आ रहा था, प्रॉफिट्स, मनी, ये सब अब जो है सोसाइटी के नेचर को मेनली डिफाइन कर रहे थे कि कैसा सोसाइटी का इस टाइम पे नेचर है। मिड 18th सेंचुरी में एक नया ही दौर आया बदलाव का। कमर्शियल सेंटर्स थे जैसे कि सूरत, मसूलीपट्टनम, ढाका, जो कि सब ग्रो हुए थे 17th सेंचुरी के अंदर, अब वो एक तरह से डिक्लाइन करने लग गए जब ट्रेड दूसरी जगहों पे शिफ्ट होने लग गया। जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल जो है पॉलिटिकल कंट्रोल होता जा रहा था बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 में, और जो ट्रेड था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो फैलता जा रहा था, तो कॉलोनियल पोर्ट सिटीज थी जैसे कि मद्रास, कैलकटा, बॉम्बे, अब ये जो है एक नई इकोनॉमिक कैपिटल्स के तौर पे उभरने लग गई थी। ये साथ ही साथ सेंटर बन गई थी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का और पॉलिटिकल पावर का। नई नई बिल्डिंग्स और इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो रहे थे और जो शहरी एक जगह होती है अब उसमें एक नए तरीके से सब चीजों को चलाया जा रहा था, नए काम आ रहे थे, लोग जो है इन शहरों में, कॉलोनियल शहरों में एक तरह से होड़ सी लग गई थी। 1800 तक आते आते जो सबसे बड़े शहर थे इंडिया के पॉपुलेशन के टर्म में वो कॉलोनियल शहर बन गए थे। अब इसके बाद बात करते हैं कि फाइंडिंग अबाउट कॉलोनियल सिटीज, ये हम करेंगे अपने अगले वीडियो में।